जय हनुमान बोली धनरहुआ सरकार की जय। श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। श्री धनरहुआ सरकार 1008 फेसबुक पेज के माध्यम से आज सभी भक्तों के बीच धनरहुआ हनुमान मंदिर से लेकर के आया हूँ मंगलवार दर्शन लाइव वीडियो। अभी पहले लाइव में आपने देखा होगा पूज्य धनरहुआ सरकार महाराज जी के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन किया जा रहा था और पूज्य महाराज जी ने श्री हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन किया और साथ ही प्रार्थना की कि विश्व कल्याण हो और विश्व कल्याण की भावना से धनरहुआ हनुमान मंदिर में कोरोना काल से ही निरंतर श्री राम नाम धुन श्री राधेश्याम धुन निरंतर चल रही है और उसी का प्रभाव है कि समूचे भिंड जिले में अभी तक कोरोना का विशेष रूप से कोई केस नज़र नहीं आया कि यहाँ 100 के पार कोरोना का स्तर गया हो, जबकि आसपास के क्षेत्र में देखा जाए तो व्यापक रूप में कोरोना फैला हुआ है। श्री धनरहुआ हनुमान जी महाराज इस लाइव वीडियो में आप लोगों के बीच मैं दिखाऊंगा मंदिर प्रांगण में किस तरह से सुबह 4 बजे से भक्तों का जन सैलाब मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। प्रातः 4 बजे से भक्त लोग सरकार के दर्शन की आस्था लेकर के यहाँ धनरहुआ हनुमान मंदिर में आ जाते हैं। कई सारे भक्त लोग जो बाहर से आते हैं वह तो एक दिन पहले ही धनरहुआ हनुमान मंदिर में आ जाते हैं और सरकार के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में ठहर कर पूजन भजन कीर्तन के माध्यम से हनुमान जी की स्तुति कर यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हुए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे भक्तों का सैलाब धीमे धीमे मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ने लगा है और यह सैलाब अभी सर्दी का समय है, कुछ समय बाद हजारों की तादाद में होगा और लगभग 12 बजे के बाद यह सैलाब 50 से 70 हजार की एक बड़ी भक्तों के जन सैलाब में परिणत हो जाएगा। यहाँ हनुमान जी महाराज का विशेष रूप से चमत्कार देखा जाता है। कैसा भी असाध्य रोग हो, कैसी भी लाइलाज बीमारी हो, धनरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी महाराज उस लाइलाज बीमारी में भी भक्तों को लाभ दिलाते हैं और आप लोगों को मैं इस लाइव के माध्यम से दर्शन करा रहा हूँ ऋषिकेश के वो महाराज जी के जो ऋषिकेश से धनरहुआ धाम में आए हैं महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज, आप देख रहे होंगे और इनकी भी बाइट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास आएगी। आज 9:30 बजे से यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पूज्य महाराज जी की सन्निधि में किया जा रहा है और सीताराम नाम ध्वनि पूज्य महाराज जी यहाँ कर रहे हैं। महामंडलेश्वर संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जो कि ऋषिकेश से धनरहुआ धाम में आए हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, वंदना संदीप भदौरिया जी लिख रही हैं, आशुतोष त्रिवेदी जी जुड़े हैं, शनिवार तुम्हारा है मंगलवार तुम्हारा है ठाकुर खड़क सिंह जी राजू चौहान जी जो प्रभु दीन दयाल कहावा, सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू पंडित भवानी शंकर पारिक जी कई दिनों बाद जुड़े हैं, ये भुवनेश शर्मा जी शशिकांत पांडे जी मिनी गुप्ता जी नाटी महाराज जी जय सियाराम जो कि यहाँ के पूर्व समय में पुजारी जी महाराज रहे हैं, राज सिंह तोमर जी कीर्ति चतुर्वेदी जी और भी कई सारे भक्त लोग जुड़े हैं सबको सियाराम, साधु कैलाश जी जुड़े हैं। सीताराम नाम ध्वनि के बाद आप लोगों को दर्शन कराएंगे मंदिर प्रांगण के कुछ ही समय में। हमारे बीच में पूज्य धनरहुआ सरकार महाराज जी भी होंगे, उनके भी दर्शन आप सभी को मैं करवाऊंगा। आप इस वक्त देख रहे हैं श्री सेल्फी वाले शंकर जी भगवान, यहाँ पर अक्सर भक्त लोग आकर के सेल्फी लेते हैं तो इनको सेल्फी वाले शंकर कहा जाता है। और यह सामने जो प्रांगण अभी आपको खाली नज़र आ रहा है जिसमें बहुत कम भक्तों का सैलाब दिख रहा है, यह पूरा प्रांगण महज 3 से 4 घंटे बाद भर जाएगा
पूरा प्रांगण भक्तों से लबालब होगा। केवल 3 से 4 घंटों के अंदर यहाँ भक्तों का अपार जन सैलाब आप लोगों को नजर आएगा। और धनरहुआ की एक कहावत है कि धनरहुआ जो आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वह टन हो जाता है। पूज्य महाराज जी ने भी अभी बताया कि धनरहुआ की भभूति का देखा ये कमाल है, धनरहुआ की भभूति का देखा ये कमाल है, जिसने भी खाई हुआ माला माल है। धनरहुआ सरकार की भभूति का अनोखा चमत्कार है, कैसा भी रोग हो, लाइलाज बीमारी हो, धनरहुआ हनुमान जी महाराज उस लाइलाज बीमारी में भक्तों को निजात दिलाते हैं। ऐसा हनुमान जी का यहाँ विशेष रूप से चमत्कार देखने को मिलता है। सिद्ध चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा का दरबार ग्वालियर से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप ग्वालियर से बस के माध्यम से, कार के माध्यम से आ सकते हैं। और जो भक्त लखनऊ एरिया से आते हैं, कानपुर से आते हैं, वह इटावा होते हुए भिंड मार्ग से, भिंड से महज 42 किलोमीटर दूरी पर महंगाओं से आगे है मंदिर स्थित है। तो आप सभी भक्त बड़ी आसानी से आ सकते हैं। जो भी भक्त जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि इस लाइव को शेयर करें अपने ग्रुपों में, फेसबुक टाइमलाइन पे, जिससे और भी भक्त लोग जुड़े। ब्रजमोहन लोधी जी, भूपेंद्र लोधी जी, एस शर्मा जी, राजू चौहान जी, सभी भक्त जुड़ रहे हैं, सबको सियाराम। और कुछ भक्तों से भी आज के इस लाइव में वार्ता करवाएंगे, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की महिमा सुनेंगे, कुछ भक्तों के द्वारा किस तरह से चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा करते हैं भक्तों के साथ चमत्कार। मुख्य मंदिर गर्भगृह की ओर ले चलते हैं और वहीं पर आपकी चर्चा कुछ भक्तों से कराएंगे, किस तरह से चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा करते हैं भक्तों के साथ चमत्कार। सिद्ध यंत्र के आप सिद्ध चक्र के दर्शन कर लें, उसके बाद आपको गर्भगृह के भी दर्शन कराएंगे। जुड़े रहें सभी भक्त लोग, छोटू पंडित जी जुड़े हैं। और किस तरह से चक्र, कलयुग में मन से भी पुण्य मिल जाते हैं, तो आप लोग इस चक्र के दर्शन करें, किस तरह से इस चक्र पर पुष्प घुमाया जाता है। और मानना है कैसी भी ग्रह पीड़ा हो, कुंडली का कैसा भी दोष हो, इस संकटायु चक्र पर पुष्प घुमाने से उस दोष में निवृत्ति हो जाती है, उस दोष से भक्त लोग निजात पा जाते हैं। आप देखें किस तरह से माता जी घुमा रही हैं इस पुष्प को, सीधे ले जाएंगे और वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे। और जो भी भक्त मंदिर आकर के इस चक्र को नहीं घुमा सकते, वो लोग आस्था और विश्वास के साथ भाव से यथा स्थान विराजमान होकर भी इस पुष्प को मन से घुमाएं, मन से घुमाने पर भी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। सर्दी के कारण भीड़ अब लेट आती है, भक्तों का जो सैलाब है वह थोड़ा लेट आता है, नहीं तो इस समय पूरा प्रांगण मंदिर का भर जाया करता था। और कोरोना काल में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं मंदिर में, लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर दानव दलन, वज्र देह दानव दलन जय जय कपीश, यह लिख रहे हैं प्रदीप सिंह परमार जी। जय श्री राम। गोविंद सिंह भदौरिया जी, संतोष शर्मा जी, सभी भक्त जुड़े हैं, सबको सीताराम। मुख्य गर्भगृह के भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे, जुड़े रहिएगा। इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा। और जो भक्त नए जुड़े हैं, YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री धनरहुआ सरकार 1008 के नाम से YouTube चैनल है। आपकी मुलाकात धनरहुआ धाम में बनारस से आए हुए भक्तों से करवाने जा रहा हूँ। यह बनारस से आए हैं, धनरहुआ सरकार का इन्होंने चमत्कार देखा और यहाँ आकर के इन्होंने क्या महसूस किया, किस तरह से अद्भुत चमत्कार इनको देखने को मिला है, आइए सुनते हैं बनारस के इन भक्त के द्वारा। धनरहुआ सरकार फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव पर जुड़े सभी भक्तों की ओर से आपको जय सिया राम। जय सिया राम। धनरहुआ हनुमान जी महाराज के चमत्कारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे महाराज जो भी लोग आते हैं, जिनकी भी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है।
और यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर के पीड़ित लोग आते हैं, उनको बहुत जल्दी आराम लग जाता है। एक बार दर्शन करने के से ही उनको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारे साथ भी कुछ लोग आए हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन लोगों को पहली बार से ही आराम होना स्टार्ट हो गया है। बस यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग यहाँ पे एक बार जरूर आएँ और दर्शन करके यहाँ पे जो भी जिनकी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। जय सियाराम। तो आपने सुना किस तरह से दंदरहुआ सरकार चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा चमत्कार करते हैं, और इन बनारस के भक्तों के द्वारा आपने सुना होगा कि इनके साथ और भी भक्त आए हैं। विशेष रूप से यहाँ लाइलाज बीमारियों का भी इलाज होता है। जब डॉक्टर हार मान जाते हैं तो भक्त डॉक्टर हनुमान दंदरहुआ सरकार की शरण में आते हैं। आइए और दिखाते हैं मंदिर का प्रांगण, साथ में कराएंगे डॉक्टर हनुमान बाबा के लाइव दर्शन। हनुमान जी महाराज के प्रांगण में यहाँ प्राचीन समय का एक दुर्गा मंदिर है, बहुत प्राचीन यह मंदिर माँ दुर्गा का यहाँ पर स्थापित है, और अभी तो एक नया मंदिर भी बन गया है माँ दुर्गा के, आप दर्शन कर पा रहे होंगे। सीताराम कहिए जाहिविद राखे राम, ताहिविद रहिए कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। और भक्त बहुत सुंदर चौपाइयों के माध्यम से कमेंट करते हैं, बहुत मन प्रसन्न होता है, जिससे और भी भक्त लोग लाभान्वित हों। प्राचीन शिव मंदिर और आपको करोड़ों की लागत से बने शिव मंदिर के भी दर्शन आज के लाइव के माध्यम से करवाएंगे। सभी भक्त जुड़े रहें। यह प्राचीन शिव मंदिर है जो कि दंदरहुआ धाम में पूर्व समय का बना हुआ शिव मंदिर, जिसके आपने दर्शन किए। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सम्मान, तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय सियाराम। प्रदीप सिंह परमार जी लिख रहे हैं, हनुमान जी महाराज आपके मनोरथ पूर्ण करें, सभी भक्तों पर हनुमान जी कृपा करें। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब भक्तों का जनसैलाब बढ़ जाता है तो फिर धीमे धीमे भक्तों के जनसैलाब को मंदिर में आसानी से दर्शन कराने के लिए कुछ भक्तों की कतार को ऊपर ले जाया जाता है और कुछ भक्तों की कतार को नीचे से दर्शन कराया जाता है। आप देख पा रहे होंगे मंदिर की व्यवस्थाओं को, और इसके बाद श्री दंदरहुआ हनुमान जी महाराज के दर्शन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। मुख्य गर्भगृह के दर्शन आप लोगों के बीच। बोले दंदरहुआ सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। गर्भगृह के दर्शन आप लोगों के बीच इस लाइव के माध्यम से लाया हूँ, आप सभी जुड़े रहे, और भी जो भक्त नहीं जुड़े हैं उनको लाइव शेयर करें। जो भक्त नहीं जुड़े हैं उनको कृपया लाइव शेयर कर दें, जिससे और भी भक्त लाभान्वित हों, दर्शन कर पाएं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से जयकारा लगाएं। बोलिए दंदरहुआ सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। डॉक्टर हनुमान जी महाराज के आपको दर्शन हो पा रहे होंगे। वीर बखानो पवन सुत जानस सकल जहान, धन्य धन्य अंजनी तनय संकट हर हनुमान। सुधा वैद्य जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय हनुमान। राहुल भदौरिया जी जुड़े हैं, देव तोमर जी, छोटू पंडित जी, निर्भय परिहार जी, चरम ओझा जी, और भी कई सारे भक्त जुड़ चुके हैं, सबको जय सियाराम। आयुष त्रिपाठी जी लाइव को शेयर करते रहें, जिससे और भी भक्त लाभान्वित हों। और दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के दिन पूज्य महाराज जी ने सभी भक्तों को जो आशीर्वचन दिया है वो शाम को अपडेट हो जाएगा दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें, जो भक्त नहीं जुड़े हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको मंगलवार दर्शन के सहित पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन, मंदिर में आए संत महात्माओं के आशीर्वचन प्राप्त होते रहें। और आप देख रहे होंगे धीमे धीमे भक्तों का जनसैलाब मंदिर में बढ़ता चला जा रहा है, और भक्त मंदिर में
कतारबद्ध होकर के क्रमबद्ध दर्शन कर रहे हैं। यह सैलाब धीमे धीमे हजारों में परिणत होता चला जा रहा है और कई सारे भक्त लोग अभी मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप लोग जयकारे के माध्यम से कमेंट अर्पित करें, कमेंट के माध्यम से जयकारा अर्पित करें। ओम श्री धनरुआ हनुमते नमः। यहाँ का पावन पवित्र पुनीत मंत्र है, एक सिद्ध बीजक मंत्र है, ओम श्री धनरुआ हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों की ऐसी आस्था है, अति शीघ्र हनुमान जी महाराज लाभ दिलाते हैं। आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही है तो कृपया कोई एक लोग कंफर्म करें आवाज़ पहुंच रही है आपकी। जय श्री राम। सीताराम नाम ध्वनि भी आप सुन रहे होंगे। लखन सिंह जी जुड़े हैं, अंगद प्रताप सिंह तोमर जी, महेंद्र सिंह जी, मनोज तोमर जी, आयुष त्रिपाठी जी, अर्जुन पंडित जी और ये वेद जी लिख रहे हैं। किसी कारण से लाइव कट गया था, यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है जिस कारण से लाइव बीच बीच में स्थगित हो जाता है। आप सभी भक्त लोग जुड़े रहिएगा धनरुआ सरकारी खजराट फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कुछ ही समय में हमारे बीच में पूज्य महाराज जी भी होंगे तो महाराज जी के भी दर्शन आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से कराएंगे। वो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। ओम श्री धनरुआ हनुमते नमः। देव गुप्ता जी लिख रहे हैं आवाज आते हाँ जी। जय श्री राम। धन्यवाद प्रणव महावीर हनुमाना राम जास जस आप बखाना। जय श्री राम। सभी भक्तों को सीताराम और सीताराम नाम ध्वनि भी सुने आप लोग, उसके बाद पूज्य महाराज जी के दर्शन आप लोगों को कराएंगे। जानकारी के लिए बता दें कोरोना काल से निरंतर सीताराम नाम ध्वनि मंदिर में चल रही है। जब से भारत देश में कोरोना आया है तभी से पूज्य धनरुआ सरकार महामंडलेश्वर महाराज जी के द्वारा यहाँ सीताराम नाम ध्वनि प्रारंभ की गई है। मनीष दुबे जी, अशोक शर्मा जी, जी जी धन्यवाद। सभी जो बता रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। सुनील शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, देव गुप्ता जी, मनीष जी, रामस्वरूप नागर जी, श्याम महाजन जी, आकाश चौहान जी, अमित पाठक जी, संगीता अग्रवाल जी, ऋषि जिंदल जी, इंद्र कुमार करौतिया जी, संगीता अग्रवाल जी, पुष्पेंद्र चौहान जी, रामपाल सिंह जी, अशोक शर्मा जी, मनोज दुबे जी, सभी भक्तों को जय श्री राम। और अब प्रांगण में आप लोगों को करोड़ों की लागत से बने शिव मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूँ, जहाँ बहुत विशाल भव्य और दिव्य शिव मंदिर बनाया गया है। उस शिव मंदिर की ओर हम चल रहे हैं। मुख्य दरवाज़ा भी बताएंगे, बड़ा मुख्य जो दरवाज़ा यहाँ पर बनाया गया है। सभी भक्त लोग जुड़े रहें, एक मिनट के अंदर आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं मंदिर का यह नज़ारा। यह उत्तर दिशा का दरवाज़ा है, रात में लाइट जाने के कारण लाइव को ख़त्म करना पड़ा था। यह उत्तर दिशा का दरवाज़ा जहाँ से भक्त लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, उत्तर दिशा का यह दरवाज़ा है। तो मंदिर से जाते समय दाहिने साइड और आते समय लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं साइड यज्ञशाला पड़ती है और यज्ञशाला से ठीक आगे शिव मंदिर बना हुआ है। उस शिव मंदिर के आप लोगों को मैं इस लाइव के माध्यम से दर्शन करवा रहा हूँ। शिव मंदिर जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा सब परिवार विराजमान है और लाल पत्थर से बने उस शिव मंदिर की वीडियो इस लाइव के माध्यम से आप देखेंगे, दर्शन करेंगे शिव मंदिर के। और शिव मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांशु पाठक जी, दीपक सिरोठिया जी और भी भक्त जुड़ रहे हैं। गणेश तिवारी जी आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है क्या आवाज़? आवाज़ नहीं आए तो तुरंत कमेंट कर दिया करें। क्या अब आप तक आवाज़ पहुंच रही है?
कोई एक भक्त बताएं क्या आवाज पहुंच रही है? सभी भक्त जुड़े रहें और लाल पत्थर से बने शिव मंदिर का कार्य अभी निर्माणाधीन है, यहाँ की रोड बननी है। सामने आप देख पा रहे होंगे मंदिर से ठीक ईशान कोण में यह शिव मंदिर बना हुआ है। करोड़ों की लागत से इस शिव मंदिर को बनाया गया है। इसके साथ में एक बड़ा दरवाज़ा भी बनाया गया है, जिस दरवाजे के साथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता में चार चांद लग जाते हैं। वह इस शिव मंदिर के साथ में एक दरवाज़ा भी बनाया गया है और यहाँ की रोड अभी बनना बाकी है। जब यहाँ की रोड बन जाएगी तो भक्तों को बड़ी सुलभता से शिव मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। तो आइए आपको शिव मंदिर के पूरे दर्शन बिल्कुल करीब से कराते हैं। और क्या आप तक आवाज़ पहुँच रही है? एक बार कन्फर्म करें, आवाज़ पहुँच रही है? आवाज़ नहीं है क्या? अब आवाज़ आ रही है? आज सभी भक्तों तक आवाज़ पहुंच रही है क्या? सभी भक्तों तक अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपया बताएं। और तब तक चलते हैं शिव मंदिर की ओर। आवाज़ नहीं है, कंफर्म बताएं एक बार और कि अभी आवाज़ आई या नहीं आई। इस लाल पत्थर से बने शिव मंदिर की भव्यता और दिव्यता अलौकिक है, बड़ी अपरंपार यहाँ की महिमा है दंदरुआ हनुमान जी महाराज की। पूर्व में भी मैंने लाइव के माध्यम से आप लोगों को दंदरुआ सरकार की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया और अब शिव मंदिर की भव्यता और दिव्यता आप देख रहे होंगे। गौरी शंकर भगवान के दर्शन करवाने के बाद आपको हम दिखाएंगे मुख्य दरवाजे का नज़ारा। क्या आप तक आवाज़ पहुंच रही है? एक बार कंफर्म करें। जी जय श्री राम। अब आप लोगों तक आवाज़ पहुंच गई होगी। माइक में कोई प्रॉब्लम आ गया तो माइक मैंने हटा दिया है और अब आप कर रहे होंगे भव्य शिव मंदिर के आए दर्शन, जहां गौरी शंकर भगवान सब परिवार विराजमान हैं और यह भव्य और दिव्य मंदिर श्री दंदरुआ हनुमान जी महाराज के ठीक ईशान कोण में बना हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे इस मंदिर को और भी बारीकी से दिखाएंगे। इस मंदिर की पूरी जो कलाकारी यहाँ पर की गई है, कितनी सुंदरता यहाँ पर दी गई है, पत्थरों को तराशा गया है और भव्यता दिव्यता में इस पत्थर से चार चांद लग रहे हैं। यह हमारे गिरजा शंकर जी हैं जो कि लाल पत्थर शिव मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ पर पूजा सेवा इन्हीं के द्वारा नित्य प्रति की जाती है, आप देख पा रहे होंगे। और श्री शिव पार्वती सहित यहाँ पर विराजमान हैं, उनके भी दर्शन आप लोगों को हो रहे होंगे। श्री भूत भावन भोलेनाथ के दर्शन आप कर पा रहे होंगे और भगवान भोलेनाथ के लिए नित्य प्रति हम लोग बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं मुख्य दरवाजे की ओर, जहां मुख्य दरवाजे के आपको दर्शन होंगे। पूर्व में स्थापित लाल पत्थर से बने उस दरवाजे के, उसके पहले आप देख लें शिव मंदिर की भव्यता और दिव्यता, कितना विशाल इसको बनाया गया है। और ये शिव मंदिर के ऊपर का नज़ारा है जहाँ पर शिखर बना हुआ है। अशोक शर्मा जी जय श्री राम। अब तो आवाज़ आ रही होगी आप तक, क्या अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों तक?
आप लोगों तक अब तो आवाज़ आ रही होगी, और जैसे ही आवाज़ ना आए तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, जिससे मैं उस पर गौर कर पाऊँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करें। और लाल पत्थर का यह शिव मंदिर आप लोगों ने देखा। इसके बाद चलते हैं मुख्य गेट की ओर, मुख्य दरवाजे की ओर, जिसकी भव्यता और दिव्यता वास्तव में अलौकिक और अवर्णनीय है। उस मुख्य दरवाजे की ओर आप लोगों को ले चल रहे हैं। क्या अब आप लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है? कृपया कोई एक व्यक्ति मुझे भक्त कंफर्म कर दे, क्या आप तक आवाज़ पहुंच रही है? राहुल राजावत जी जुड़े हैं, छोटू झा जी जुड़े हैं, और भी कई सारे भक्त जुड़े हैं, ठाकुर अरविंद सिंह ग्वालियर, ठाकुर राजावत, राहुल राजावत ठाकुर साहब जी जुड़े हैं। और एक जानकारी बता दें, शनिवार मंगलवार के दिन मुख्य मंदिर तक सारी बसें आती हैं, तो आप भक्त लोग मंगलवार शनिवार मुख्य मंदिर तक बस के माध्यम से भी आ सकते हैं, अन्यथा बस लगभग 800-900 मीटर दूरी पर आपको छोड़ देगी। अगर आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो मैं दूसरे लाइव के माध्यम से आप लोगों को जोड़ता हूं।